हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले डिजिटेक के लाइटवेट ट्राइपॉड DTR550LW की। पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका यूज़ जानेंगे, कैसे मोबाइल के साथ या DSLR कैमरा के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसके क्या क्या फीचर है, और एकदम आखिर में हम इसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये ट्राइपॉड पसंद आया वीडियो को देखने के बाद, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो, बेस्ट बाय लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं इस ट्राइपॉड के बारे में सब कुछ। दोस्तों इस ट्राइपॉड का जो पैकेज है, इसके बॉक्स में आपको इसके कई सारे फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो है अप टू 5 किलो। हालांकि आप इससे भी ज़्यादा का लोड दे सकते हो। इस ट्राइपॉड के नीचे एक हुक दिया हुआ है, जब मैं इसका यूज़ बताऊँगा तो आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक्स्ट्रा वेट ऐड कर सकते हो। इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो है 5.57 फीट, और फोल्डेड जब रहता है तब इसका हाइट रहता है 615 मिलीमीटर। इसका जो मैक्सिमम ट्यूब डायमीटर है वो है 26.5 मिलीमीटर, और मिनिमम ट्यूब डायमीटर है 20। चलिए दोस्तों अभी इस ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ। दोस्तों इस ट्राइपॉड के साथ आपको कैरी करने के लिए एक बैग भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे आप इस ट्राइपॉड को अगर बाहर कहीं पे लेके जाते हो तो आप इजीली कैरी कर सकते हो। चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। तो यहाँ पे अंदर भी आपको एक प्लास्टिक का पैकेट दिया गया है। पैक को मैं साइड में रख देता हूँ। पैकेजिंग तो अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ट्राइपॉड को देख सकते हो, बहुत ही शाइनी लुक है इसका। बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, मैग्नीशियम का बॉडी है। यहाँ पे डिजिटेक का एक लोगो आपको देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा पास आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटेक का लोगो दिया हुआ है, और यहाँ पे इस ट्राइपॉड का मॉडल नंबर दिया हुआ है। दोस्तों साइड में आपको एक हैंडल मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी इस ट्राइपॉड का पूरा यूज़ देख लेते हैं। अगर आपको ट्राइपॉड का यूज़ पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो और वीडियो के एंड में रिव्यू का पार्ट देख सकते हो। बट जिनको ट्राइपॉड का यूज़ नहीं पता है, क्योंकि इस ट्राइपॉड में काफ़ी सारे फीचर दिया गया है, तो वो इस पार्ट को देख सकते हो। तो थोड़ा नज़दीक आ जाते हैं ट्राइपॉड के। पहले लेग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, इस ट्राइपॉड के 3 लेग है, इसीलिए इसको ट्राइपॉड कहा जाता है। और यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है लेग पे, आप देख सकते हो क्लिप्स को। तो इन क्लिप्स को आपको ऐसे ओपन करना है, जैसे ही ओपन करोगे तो इसका लेग बाहर आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे क्लिप को ओपन करना है तो इसका लेग बाहर आ जाएगा। तो मैं एक बार तीनों लेग्स को ओपन कर देता हूँ और इसको स्प्रेड कर देता हूँ। क्लिप को आपको कुछ इस तरीके से लॉक करना है। जब लॉक करोगे तो एक लॉकिंग साउंड आपको सुनाई देगा, और कुछ इस तरीके से ट्राइपॉड को आपको रखना है। इसका हाइट कुछ इस तरीके से होता है। इसका हाइट और भी बढ़ाया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस ट्राइपॉड में एक लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो, जो कि दूसरे ट्राइपॉड में देखने को नहीं मिलता है। इससे क्या होगा, आप अपने ट्राइपॉड को और भी ज़्यादा स्टेबल बना सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको लॉक किया जा सकता है। इसको आपको रोटेट करना है, घुमाना है, तो ये लॉक हो जाएगा और आप देख सकते हो ये ऊपर नहीं आएगा। तो अगर आपको मान लीजिए ट्राइपॉड का हाइट, इसका जो मैक्सिमम हाइट है, उससे भी ज़्यादा का बढ़ाना है और आप यहाँ पे इसको स्टेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इसको लॉक कर सकते हो और अभी ये मूव नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से आप रख सकते हो और ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा। और फिर से अगर आपको इसको अनलॉक करना है तो आपको रोटेट करना है, ये अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉक मैकेनिज्म भी दिया गया है। अभी बात करते हैं, यहाँ पे नीचे एक हुक देख सकते हो आप। ये हुक बेसिकली दिया गया है ताकि आप इस ट्राइपॉड में एक्स्ट्रा वेट ऐड कर सको। इस ट्राइपॉड का जो मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है वो है 5 किलो। 5 किलो तक अगर आपका कैमरा का वेट होता है तो ये आराम से संभाल लेता है, और उससे ज़्यादा का अगर आपका कैमरा का वेट होता है तब आप नीचे यहाँ पे एक्स्ट्रा वेट ऐड कर सकते हो, सैंड बैग वगैरह ऐड कर सकते हो अपने ट्राइपॉड को और भी ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक नॉब मिल जाता है। इस नॉब को रोटेट करके आप इस ट्राइपॉड का हाइट और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ये बहुत ही इजीली ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा दूर में जाके आपको दिखा देता हूँ। तो इसका हाइट आप देख सकते हो, इतना हाइट इसका हो रहा है। यहाँ पे भी नॉब दिया हुआ है, इस नॉब को आपको टाइट करना होता है। टाइट कर दोगे तो ये जो पोर्शन ऊपर गया है ये स्टेबल हो जाएगा। वरना क्या होता है, जब आप यहाँ पे भारी कैमरा यहाँ पे लगाते हो तो ये धीरे धीरे वेट के कारण नीचे आ जाता है। अगर आप भारी कैमरा लगाते हो तो मोबाइल
अगर आप यूज़ कर रहे हो मोबाइल यहाँ पे अटैच कर रहे हो, तो ये अगर नॉब आप नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं और बाकी यूज़ आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, आप देख सकते हो। इस हैंडल को बेसिकली कैरी करने के लिए दिया गया है, ताकि आप इस ट्राइपॉड को इजीली कैरी कर सको। लाइटवेट ट्राइपॉड है, इजीली आप इसको कुछ इस तरीके से पकड़ के कैरी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे भी एक नॉब दिया गया है, इसको आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हो ओपन करने के लिए, और फिर से इसको इस तरीके से रोटेट करके इसको टाइट कर सकते हो, इससे ये रोटेट नहीं होगा। तो एक बार मैं आपको इसके तीन एंगल दिखा देता हूँ कैमरा कैप्चर के लिए। तो एक तो आप इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, अगर आप वीडियो कैप्चर कर रहे हो तो अपने वीडियो को स्टेबल रख के आप 360 डिग्री व्यू लेने के लिए आप इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। साथ ही अगर आपको पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो लेना है, तो आप अपना DSLR या मोबाइल फ़ोन कैमरा को यहाँ पर रख के कुछ इस तरीके से ओपन करके इस तरीके से भी शॉट ले सकते हो। तीन टाइप से आप इसमें शॉट ले सकते हो। यहाँ पे एक ऊपर प्लेट दिया गया है, जिस प्लेट के ऊपर आपका DSLR कैमरा या मोबाइल कैमरा रहता है। इस प्लेट को आप इजीली कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, शायद आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस लॉक को आपको कुछ इस तरीके से पुल करना है, तो ये जो प्लेट है ये ओपन होके चलाएगा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो लॉक दिया हुआ है, इसके ऊपर आप अपने DSLR कैमरा को ऐड कर सकते हो या अपने मोबाइल कैमरा को भी अटैच कर सकते हो। मोबाइल कैमरा को कैसे अटैच करना है वो मैं कुछ ही देर में आपको दिखा दूंगा। तो इसका पूरा यूज़ लगभग मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक बबल लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप इस ट्राइपॉड के ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन को लगाने का सोच रहे हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट इसके साथ परचेस करना पड़ेगा। इस इक्विपमेंट का ऑनलाइन परचेस का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस इक्विपमेंट को आपको इस प्लेट के ऊपर लगाना है और आप इसमें अपने मोबाइल फ़ोन को ऐड कर सकते हो। इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो और अपने मोबाइल फ़ोन इस पर लगा सकते हो। इस प्लेट को कैसे ओपन करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, लॉक को आपको पुल करना है, ये प्लेट बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे पीछे की तरफ आप इसको इस तरीके से घुमा सकते हो और इस इक्विपमेंट को इसमें ऐड कर सकते हो, और इसके ऊपर आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी ऐड कर सकते हो, DSLR को भी ऐड। तो ये हमारे पास एक छोटा वाला ट्राइपॉड है, जो ज़्यादातर बिगिनर यूट्यूबर यूज़ करते हैं, ट्राइपॉड 3110। अभी इसके साथ हम इसका हाइट का कंपेयर करने वाले हैं, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं पूरा। दोस्तों ये जो ट्राइपॉड आप देख रहे हो, ये मेरा सबसे पहला वाला ट्राइपॉड है। पहला वाला नहीं कहूँगा, पहले इसी की तरह एक ट्राइपॉड था, वो टूट गया था, तो ये सेकंड ट्राइपॉड है मेरा। और इसके साथ अभी इस ट्राइपॉड का कंपेयर करते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट इतना ही होता है, इसको रखते हैं। अभी इस कैमरे को थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ताकि आप पूरा हाइट दोनों का देख पाओ। ये दोनों ही अपने मैक्सिमम हाइट पे हैं, और कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप दोस्तों Digitech DTR550LW जो ट्राइपॉड है हमारा, ये दो, इसका अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, कैसे यूज़ करना है ये भी देख लिया। अभी इसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो मैग्नीशियम का बॉडी है, ये स्ट्रॉन्ग है, बट इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड होता है। बहुत जल्द उसका भी अनबॉक्सिंग आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो, लाइट वेट है, देखने में अच्छा है। और वैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो, इजीली आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करेगा। और अगर आपका जो DSLR कैमरा है उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अगर आपका मान लीजिए 2-2.5 किलो तक आ जाता है लेंस के साथ, तो नॉर्मली जो होता है अगर आप बड़े लेंस लगाते हो तो उसका वेट बढ़ जाता है। तो अगर 2-2.5 किलो 3 किलो तक इसका वेट है, तो इसका जो रोटेशन होता है, उस रोटेशन में भी आपको एक स्मूथनेस देखने को मिलेगा। अगर वेट बढ़ जाता है 4 किलो से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे रोटेशन में जो स्मूथनेस है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का पार्ट है। मैं आपको आगे जो ट्राइपॉड अनबॉक्स करूँगा, इससे महंगा वाला Digitech का ही, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, उसका रोटेशन बहुत अच्छा है, उसका वीडियो भी आने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ को देखने के लिए। ये जो छोटा वाला ट्राइपॉड है, इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हो, मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और अगर आपको ये ट्राइपॉड पसंद आया डिजिटेक DTR 550 LW और आप इसको परचेज करना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक ऑनलाइन जहाँ पे सबसे सस्ता पड़ेगा वही लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ट्राइपॉड आपको कैसा लगा, ये वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और भी कोई अगर आपका कोई आपको वीडियो चाहिए किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो आपका क्या सजेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।